रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। टॉयलेट ठीक करने के लिए बुलाया था प्लम्बर, पाइप खुली तो नजारा देखकर सब दंग रह गए। आज का विषय है टॉयलेट ठीक करने के लिए बुलाया था प्लम्बर, पाइप खुली तो नजारा देखकर सब दंग रह गए हैं। आमतौर पर दुनिया का हर व्यक्ति टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी कभी टॉयलेट के ये पाइप जाम हो जाती है। ऐसे में हम प्लम्बर को बुलाते हैं, लेकिन प्लम्बर की वजह से बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल यह मामला केरल का है, जहां पर एक डॉक्टर के टॉयलेट की पाइप जाम हो गई थी। ऐसे में उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने जब देखा तो पाया कि उस टॉयलेट में 2 दिन की नवजात बच्ची का शव है। इसी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। डॉक्टर का मानना है कि इस बच्ची को किसी महिला ने ही फ्लैश किया है। फिलहाल इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है।